नमस्कार, आप देख रहे हैं वन हरियाणा और मैं आपके साथ हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। उपमंडल के गांव समेड़ में एक युवक का हथियार के बल पर अपहरण करने, गाड़ी और सोने के जेवरात लूट मामले में कार्रवाई करते हुए 10 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को काबू कर लिया है। पुलिस न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी। क्या कहते हैं DSP, ये आपको सुनाते हैं। समेड़ खड़वाल एक रोड है, वहां पर तीन नौजवान थे जिन्होंने इसकी गाड़ी को हाथ देकर रुकवा कर उसमें जबरदस्ती उसके अंदर बैठ गया और इसको बिठा लिया और बैठते ही इसके चाकू लगा दिए। चाकू की नोक पे इससे मार पिटाई और इससे इसके कुछ पैसे 5500 रुपये, अंगूठी और मोबाइल इससे छीन लिया। गैंडा से पूछताछ की जा रही है, कल इनको न्यायालय में पेश करके और इनका रिमांड लिया जाएगा और जो भी और भी अगर इन्होंने और कोई वारदात किया उसके बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी। इस बारे में DSP जोगिंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार लूट का मामला दर्ज कर लिया था और उस मामले में तीनों आरोपियों को काबू कर लिया है, जिन्हें सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपियों में समेण निवासी जोनी, मनोज और प्रेम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि तीनों ने नशे की हालत में वारदात को अंजाम दिया और नशे के आदि हैं। साथ ही बताया कि जोनी पर नशा अधिनियम मुकदमा, मनोज पर चोरी, शराब सहित 3 मुकदमे और प्रेम पर साल 2009 दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज है। पुलिस तीनों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेगी।